हेलो फ्रेंड्स, कई प्रेग्नेंट लेडी ये सोच में पड़ी होंगी कि उन्हें करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप पहले तो आपको अपनी सिचुएशन समझना चाहिए कि आप करवा चौथ का व्रत रखने के लायक हैं या नहीं है। तो अगर आपको कौन से चार बातों का ध्यान देना है इस वीडियो में बताती हूँ मैं। अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है और आपका फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो आप आराम से करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो आप अगर व्रत रखते भी हैं तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। और आपको निर्जला व्रत तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक दिन व्रत रखने से बच्चे को कोई नुकसान पहुँच सकता है। और ऐसी लेडीज है जिनको पहले से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम, डॉक्टर एकदम बेड रेस्ट बोल दिया है, तो आप इस बार व्रत को अवॉइड कर सकती हैं। कई प्रेग्नेंट लेडी ऐसी होती हैं कि उन्हें एक भी दिन की टैबलेट स्किप नहीं करना होता है और इंजेक्शन लग रहे होते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है, तो उनको तो व्रत इस साल भूल के भी नहीं रखना है। आप पहले एक अच्छे से ठीक हो जाइए और उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस बार आपको फास्ट नहीं रखना है ऐसी लेडीजों को। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की।